नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले झारखंड मनरेगा कर्मी विगत 27 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं अपने विभिन्न मांगों को लेकर, पांच सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा कर्मी आज गोटा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के आवास पर पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और अपने मांगों पर विचार करने के लिए उनसे अनुरोध किया। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मी के आह्वान पर 27 जुलाई से प्रदेश के मनरेगा कर्मी अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसे लेकर गुरुवार को झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे के नेतृत्व में दर्जनों मनरेगा कर्मियों ने गुड्डा लोकसभा के पूर्व सांसद व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता फुरकान अंसारी के आवास पर पहुंचकर अपने पांच सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मनरेगा कर्मियों ने कहा कि सरकार चुनाव के पूर्व अपने घोषणा पत्र में अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने की बात की थी। सेवा स्थायी करने, समान काम के बदले समान वेतन दिए जाने, अपर समाहर्ता परीक्षा में 50% आरक्षण, बीमा का लाभ दिए जाने की मांग की जा रही है। अगर अभी भी सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सरकार उनकी मांग को लेकर टालमटोल कर रही है, ऐसे में अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। अब तक की उनकी मांग को नहीं माना जाता रहा है, वे हड़ताल पर ही रहेंगे। पांच सूत्री मांग है, जिसमें पहला हमारा स्थायीकरण का मांग है, दूसरा हमारे विभिन्न जिलों में कार्य के अत्यधिक दबाव के कारण हमारे मनरेगा साथियों की 10-12 साथियों की मौत हुई है, उनके उनके परिवार को नौकरी और उनका मुआवजा, बहुत सारे जिलों में थोड़ा थोड़ा आरोप लगा के हमारे मनरेगा साथियों को हटा दिया गया है, उनकी वापसी और वर्तमान में जो वापसी और उनको प्रताड़ित जो प्रताड़ित करते रहे जी, उनके ऊपर जो प्रताड़ना हो रही है उन प्रताड़ना से मुक्ति, और वर्तमान में यदि सरकार हमको स्थायी नहीं कर पाती है तो हमें एक वेतनमान दे के हमारी सेवा 60 साल की जाए, और इसके लिए हम लोगों ने अपने मांगों को हमारे गार्जियन के रूप में श्री फुरकान अंसारी साहब को अवगत करा दिया है। अगर सरकार हमारे साथ सार्थक वार्ता करती है तो हम हड़ताल से वापस आने के लिए सोचेंगे। मनरेगा आयुक्त के बारे में, मनरेगा आयुक्त के बारे में कहना यह है कि मनरेगा आयुक्त पूरे झारखंड में मनरेगा कर्मियों का शोषण कर रहे हैं, और उन्हीं के कारण जितने भी मनरेगा कर्मी हैं उनकी मृत्यु हो रही है, और मैं सीधे तौर पर उन पर हत्या का आरोप लगा रहा हूं कि उनके द्वारा ही ये हत्याएं की गई हैं। उन पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए। एक ही पद पर वो 6 साल से विराजमान है और पूरा स्वेच्छाचारी होकर मनरेगा को चला रहे हैं। इनके रहते हुए झारखंड में मनरेगा का और मनरेगा कर्मियों का और सरकार का कभी भी भला नहीं हो सकता है। मौके पर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि मनरेगा कर्मियों की मांग जायज है। इसके लिए पूर्व सांसद ने झारखंड सरकार के विभागीय मंत्री आलमगीर आलम व मनरेगा आयुक्त से बात कर हड़ताल पर गए कर्मियों के साथ वार्तालाप करने की बात कही। उन्होंने कहा, मनरेगा कर्मी के हड़ताल पर चले जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य बाधित हो रही है, जिसके कारण लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए मजदूरों को सही तरीका से काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे मजदूरों के समक्ष जीवन यापन में कठिनाई हो रही है। मौके पर निशांत तिवारी, शशिभूषण कुमार, अरुण सिंह, प्रकाश कुमार, दिलीप कुमार, पुनीत कुमार तिवारी, छत्रपति शिवाजी भगत, राजेश कुमार दास, नरेंद्र कुमार, गणेश मेहरा, साजिद अंसारी, मोहम्मद शाहिद, संजय कुमार, अमित कुमार, मुकेश राम, जयदेव मुर्मू समेत कई मनरेगा कर्मी मौजूद थे। सर, मनरेगा कर्मी आपसे मिले, ज्ञापन सौंपे, आपके तरफ से क्या जो मांग है उसमें इस मांग से मैं पहले से भी अवगत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उनकी जो मांग है, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है महात्मा गांधी रोजगार योजना जो है महत्वपूर्ण योजना है, और आपके मोदी जी भी अभी मानने लगे हैं कि इससे बढ़ के कोई रोजगार भी हम इससे बढ़ के कोई योजना भी हम नहीं है जिससे हम मनरेगा मजदूरों को और जो मजदूर अभी बेकार होकर लौटे हैं दूसरे दूसरे प्रांतों से उनको हम काम दे सकते हैं। यही एक योजना है जिससे हम सबको कुछ ना कुछ हम भला कर सकते हैं, कुछ काम दे सकते हैं। जब इतनी महत्वपूर्ण योजना ये है तो उसके गर्मी इतना लाचार क्यों है, क्या कारण है? इनके मनरेगा के जो हमारे लोग हैं, मनरेगा कर्मी जो है, उनकी जो मांग है वो मैंने पहले से भी जानता हूँ, और अब तो और भी नज़दीक से मैंने इसको देखने की कोशिश किया हूँ, और
मैं चाहूँगा कि इन लोगों की जो मांग है उसमें जो मैक्सिमम मांगे इनकी पूरी हो, ये मेरी मांग, ताकि लोग मन लगा के काम करें और मजदूरों को रोजगार मिले और ये योजना सफल, योजना का जो उद्देश्य है उस योजना के उद्देश्य को पूर्ति कर सके, लोग बढ़िया से काम कर सके, ताकि राज्य का भला, ये मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा यही है कि लोग भी काम करें मन से और इन लोगों को जो प्रताड़ित करता है, दबाव देता है और दबाव से कर चाहता है कि लोग दबा करके हम इन लोगों को काम करवाएंगे, इसे तो मैं मुक्त कर दूंगा, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, दबाव कर दीजिएगा। सर सरकार में वैसे अधिकार गुलाम नहीं है, आपका गुलाम नहीं है, मनरेगा कर्मी है लोग, वो गुलाम नहीं है, आपका घर का गुलाम नहीं है, ये जब चाहिए जो चाहिए सो कर दीजिएगा। ये हमारा झारखंड कर रखा लोग है, झारखंडी है और गांव में काम करने वाला आदमी है, जंगल झाड़ में काम करने वाले लोग हैं ये लोग, इसको आप प्रताड़ित करिएगा। पांच साल से एक ही विभाग में है। हाँ, वैसे वो, अधिकारी वो इनके इनके काम का जो है जो शिकायत भी मिली है और ये 5 साल से है लेकिन कोई हल अभी तक नहीं निकाला इन लोगों का। भाई इतने योग्य आदमी है तो हल क्यों नहीं निकालते इसका, तुम इतने काबिल हैं आप, हल निकालिए ना। अब विदेश सर्विस है या फॉरेस्ट सर्विस है या IAS है उससे मतलब नहीं हमको है। आप जब कोई काम का हल नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई समस्या निदान नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हम चुमा लेंगे आपको। सर इन लोग बार बार हड़ताल क्यों करना पड़ रहा है इन लोगों को, क्या बात है? एक बार हड़ताल मांग किया फिर आपने नहीं सुना इन लोगों की बात को, बार बार इन लोगों को मजबूर कर रहे हैं हड़ताल में जाने के लिए। इसलिए इन लोगों की जो मांग है उसको इसके साथ हम हैं, हमसे जो हम चाहेंगे कि इन लोगों का मांग पूरा हो जाए, लेकिन जितनी मांगे हैं उसमें सब पूरा होगा ये हम नहीं कर सकते। इसमें बहुत कुछ है जिसमें सुरक्षा की बात है, टॉर्चरिंग की बात है, ब्लैकमेलिंग करने की बात है, मानदेय की बात है, वो सारा चीज़ होना चाहिए। सर्विस जो है मानदेय देते हैं लेकिन सर्विस एक उम्र है कि नहीं, ये काम करते करते इसी तरह से बुढ़ा जाएगा क्या? 60 साल को कर दीजिए, लिमिटेशन को करिए 60 साल आप जो सरकारी सर्विस जिससे होती है, ये सारा चीज़ हम रखेंगे और हम कोशिश करेंगे इनकी मांग जो है सो ये पूरा हो जाए, काम हो जाए, ताकि लोग ठीक से काम करें। ये लोग ठीक से काम करेगा तो हम लोग को भी शांति मिलेगा कि चलो भाई काम हर जगह हो रहा है बढ़िया से, मन हम लोग का भी खुश रहेगा। जब हम लोग इतने ये योजना हमारे समय में जब पार्लियामेंट में थे उस वक्त ये योजना पास हुई है, इस पर हमारा डिबेट भी मेरा पार्लियामेंट में हुआ, इस पर मैंने बहुत सारा इस पर सुझाव भी दिए थे। लेकिन हूबहू मनरेगा का योजना का जो नियम है वो कहाँ लागू कर रहे हैं लोग? जो मजदूर काम नहीं भी करेगा, जो काम नहीं मिलेगा उसको नगद देना उसको है, ये नगद तो सब यही लोग खा जा रहे हैं, सब लोग मिलकर के बांट बैठ रहे हैं ऊपर से नीचे तक। देखो दोषी मनरेगा कर्मी क्यों रहेगा, सिर्फ रोजगार सेवक क्यों रहेगा भाई, क्या बात है? सब लोग खाए हो, सब लोग दोषी ठहरो, केस होगा सब पर होगा, मुकदमा होगा सब पर होगा। आप नोटिस देकर के क्या समझ रहे, डरवाते हैं क्या? डरवाइए नहीं, डरे उड़ेगा नहीं ये लोग, ये हम कहना चाहते हैं, ये हम इसके खिलाफ हम हैं। और डरा करके आप चाहते हैं नोटिस दे देंगे तो डर जाएगा क्या? तेरा बाप का नौकर है क्या?